गुड इवनिंग, आप सभी का सक्सेस सेंटर सीकर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें, और एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा। राहुल, सुजीत, ईश्वरचंद, अंदर रीनू कुमावत, संगीता, चंदन पाल, नवीन अहिर, अनिल भांबू, आरती यादव, पारल गुप्ता, नंद किशोर मालव, गुड्डू कुमार, प्रमोद मीणा। गुड इवनिंग सभी को, आ जाइएगा, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है? बताइएगा। चलो बताइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है? यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव नोर गेट। तो जो आपका एक्सक्लूसिव नोर गेट होता है, एक्सक्लूसिव नोर गेट में आपका जो बनता है, यहां पर वाई बराबर ए एक्सक्लूसिव नोर बी बनता है। ये क्या होता है? ए बी प्लस में ए बार बी बार होता है। इसमें क्या होता है कि यदि आपके दोनों इनपुट ए बराबर बी होता है, तभी आपका आउटपुट क्या होगा? वन होगा। और यदि ए बराबर नहीं है किसके? बी के, तो आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा। तो फर्स्ट में आपका दोनों इनपुट बराबर नहीं है, नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, फोर्थ तो है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 302। जल्दी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर यहां पर सही होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। इन द फिगर V1 वोल्टेज है वो कितना है? 8 वोल्ट है। और V2 कितना है आपका? 4 वोल्ट है। तो अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो दोनों में ही इक्वल है, और जो आपका एंड साइड है उसका पोटेंशियल जीरो है। यानी कहने का मतलब एनोड साइड का विभव है वो कैथोड साइड से दोनों ही केस में क्या है? अधिक है। तो बोथ विल बी ऑन, बोथ विल बी क्या होंगे? ऑन होंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका कौन सा? द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट में आप सभी को पता है कि यहां पर तीन इनपुट हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर तीन आपके क्या होंगे? स्विच होंगे। ये क्या होंगे? श्रेणी में। तो आपको पता है कि ये लैंप ग्लो कब करेगा? लैंप ग्लो कब करेगा? जब तीनों ही स्विच क्या हो आपके? ऑन हो, यानी तीनों ही हाई हो। ए बराबर बी बराबर सी बराबर वन होता है, उसी केस में आपका ये क्या हो सकता है? लैंप ग्लो हो सकता है, अदरवाइज ये लैंप ग्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी आप इन्हें समझ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 304। अब देखिएगा 304 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका कहां से पूछा गया है? FET से पूछा गया है। द गेन ऑफ FET एम्पलीफायर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग, ठीक है? तो यहां पर ध्यान में रखना है कि द गेन ऑफ FET, तो यहां पर जो आपका सबसे पहले देखिएगा ड्रेन का रेजिस्टेंस
क्या होता है आर डी, आर डी बराबर यहाँ पे क्या होता है वी डी एस अपोन में आई डी होता है। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहता है आपका वीजीएस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद में जो ट्रांस कंडक्टेंस होती है जीएम वो क्या होती है आपकी आईडी अपॉन में वीजीएस होता है, जो यहाँ पर वीडीएस को क्या रखा जाता है कांस्टेंट रखा जाता है। उसके बाद में यदि अपन यहाँ पर बात करते हैं किसकी, यहाँ पर गेन की, तो गेन इसका क्या होता है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वीडीएस अपॉन में VGS होता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गेन ऑफ FET, तो ये आपका ये गेन है म्यू बराबर VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बटे गेट टू सोर्स वोल्टेज, कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग, तो यहां पर चेंज किसके माध्यम से कर सकते हो, यहां पर आप चेंज कर सकते हो किसके माध्यम से VGS के माध्यम से, ये ऑप्शन में ही भी नहीं दिया गया आप लोगों को, तो यहां पर जो गेन है आपका उसे चेंज कर सकते हो गेट टू सोर्स वोल्टेज को चेंज करके, यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये तो क्या है ट्रांस कंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसमें, कौन सा आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर कौन सा दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन दे दिया, इन केस ऑफ 70 MHz इफ कैरियर फॉर ट्रांसपोंडर बैंडविड्थ ऑफ 30 एनर्जी मोस्ट बी बिटवीन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये 37 है ना, यहाँ पे 36, तो ये किस क्या पूछी गई बैंडविड्थ, तो 70 और यहाँ पर 36 MHz है, तो मैक्सिमम मिनिमम तो कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दो 36 माइनस कर दोगे 34 हो गया, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी बैंडविड्थ, यहाँ पे दोनों को जोड़ दो तो 106, 34 से 106 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 34 से 106 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 300 कौन सा पूछा गया है 306। ठीक है, 306 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछा गया है जल्दी बता दीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मेटर, क्या दिया गया सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, द पीक वोल्टेज अक्रॉस हाफ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज 30 वोल्ट, देन PIV। तो आप सभी को पता है कि जो सेंटर टैप फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है इसमें जो PIV होती है पीक इनवर्स वोल्टेज होती है वो 2 VM होती है। यहाँ पे VM का वैल्यू कितना दिया गया 30, तो 2 × 30 कितना हो गया आपका 60 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 307। अब देखिएगा 307 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है जल्दी से बताइएगा। दी लिसाजू पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन ऑफ CRO इज स्ट्रेट लाइन इंक्लूडिंग एट 45 डिग्री, यानी आपकी जो स्क्रीन है CRO की उसके ऊपर आपको क्या है 45 डिग्री के एंगल पर, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। तो स्ट्रेट लाइन कब दिखाई देती है, जब आपका x बराबर क्या होता है साइन ए साइन ओमेगा टी, और y बराबर भी क्या होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस में 0 डिग्री होता है, यानी दोनों के मध्य फेज डिफरेंस क्या होता है 0, यानी y बराबर किसके है x के है यहाँ पर, तो आपका क्या होगा 45 डिग्री होगा, तो x प्लेट पे ये है तो y प्लेट पे भी यही होगी a साइन ओमेगा टी होगी, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा आदित्य, फर्स्ट ही होगा, क्योंकि ये तो इसका एंगल दिया गया, यहाँ पर 0 रखा है, उसके बाद यदि यहाँ पर आप रखते हैं इक्वेशन सरल रेखा की समीकरण, सरल जो रेखा होती है उसकी समीकरण रखते हैं तो y बराबर क्या होता है mx प्लस c होता है, c का वैल्यू 0, तो m बराबर क्या होता है यहाँ पे y बाय x होता है, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये क्या होता है tan थीटा होता है, तो थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री,
है ना, तो 45 डिग्री पे y बराबर x होता है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा तभी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा फिर से बताऊं, सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, c कांस्टेंट है यहाँ पे, तो m बराबर क्या हो गया y बाई एक्स, जब यहाँ पे आपने रखा है 0 डिग्री, तो इसमें क्या होता है y बराबर एक्स होता है, तब भी आपका टेन थीटा बराबर क्या आता है, यूनिटी आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 308। अब देखिएगा 308 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है इनपुट इंपेडेंस ऑफ ओप एम्प ऑफ द गिवन फिगर। हाँ, पारुल गुप्ता 180 डिग्री पर होता है, लेकिन वहां पर ध्यान में रखना है दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसका तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव 45 डिग्री हो जाता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आती है ना, ये तो 0 डिग्री वाली है आपकी, ठीक है, और जो ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगी इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये किसके केस में आता है, आपका 180 डिग्री के केस में आता है, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर दिए गए सर्किट में आपसे पूछा गया है कि दिए गए सर्किट में इन दी दी इनपुट इंपेडेंस ऑफ ओप एम्प फिगर, तो ये आपका क्या है, आर इनपुट रेजिस्टेंस है, और यही है आपका क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस है, तो ये इनपुट की इंपेडेंस हुई ना, तो क्या होगा 10 किलो ओम होगा, कितना होगा 10 किलो ओम होगा। डायरेक्ट आप सर्किट को देखकर के भी बता सकते हैं, वो आइडियल कंडीशन में होती है इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 309 नंबर क्वेश्चन, इन सीआरओ विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, तो ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका सीआरओ है, सीआरओ का जो इलेक्ट्रॉन गन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो गन होता है वो किससे मिलके बना होता है, एक तो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है, क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, इसमें हीटिंग एलिमेंट के बाद क्या लगा होता है, कैथोड लगा होता है, कैथोड के बाद में आपका क्या लगा होता है, कंट्रोल ग्रिड लगा होता है, ठीक है, कंट्रोल ग्रिड के बाद में क्या लगा होता है, प्री एंड पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड लगा होता है, ठीक है, फिर लगा होता है फोकसिंग एनोड। इसमें कौन कौन सा दिया गया है, कैथोड दिया गया है, कंट्रोल ग्रिड दिया गया है, ये भी होता है, लेकिन नहीं होता है, नॉट इज ए पार्ट ऑफ, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पे, ठीक है, ये प्लेट्स होती हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 310, फास्ट कीजिएगा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक यहाँ पे क्या दिया गया, 1 माइक्रो फेरेड संधारित्र 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछा गया है, एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, इसमें 1/2 CV² होता है, यानी 1/2 C का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1×10^-6 और 12 की स्क्वेयर कितना होता है, 144 होता है, इससे इसे काटोगे तो 7×2 72, 72×10^ क्या हो जाएगा, -6 जूल हो जाएगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन सही होगा भाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 311। अब देखिएगा 311 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस दी फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस दी गई है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस के लिए अंडर द रूट मैंने आप लोगों को बताया था ओपन सर्किट गुणा में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है दोनों की, 20 और गुणा 5, 5 जो 100, रूट में 100 होता है तो उसका कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लो भाई, 10 ओम आएगा, कितना आएगा, 10 ओम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 312। 312 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, एक कैपेसिटर यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन सिंगल फेज
सर्किट डिक्रीज किसको करता है? कि एकल कला प्रतिपथ में विद्युत संशोधित गणक के लिए प्रयुक्त संधारित्र घटा देता है, पावर फैक्टर को, लाइन करंट को, बोथ लाइन करंट एंड पावर फैक्टर, द लाइन करंट एंड इंक्रीज पावर फैक्टर, यानी जो लाइन का जो करंट है उसे तो क्या करेगा यहां पर। अब देखो यहां से जैसे कोई लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर है, इसमें यहाँ पे आपने कैपेसिटर लगा रखा है, तो ये तो क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल होता है। अब ये कैपेसिटर होता है ये क्या कर देता है, माइनस एक्सी कर देता है, जिससे आपकी इम्पेडेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इम्पेडेंस कम हो जाएगी तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, एक तो बात ये आ गई। फिर पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाय जेड होता है, तो यहां से जैसे ही आपका क्या होगा, जेड का वैल्यू कम होगा तो यहां पर इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो जो कोस थीटा होगा उसमें वैल्यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहां पर 313 देखिएगा, 313 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि द नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह इन द एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो ई बराबर क्या होता है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है, तो ये माइनस का चिन्ह किसको बताता है, लेंज स्लो को बताता है, किसको बताता है, लेंज स्लो को बताता है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। देखो अगर वो वहां पर आइडियल कंडीशन देता होता उस केस में आप लगा देते वहां पर, है ना, ठीक है ना, उस केस में लगाना है उसको, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 314, अब देखिएगा 314 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, जल्दी बताइएगा। इसमें पूछा गया है कि फोम फैक्टर किसका रेशियो होता है, ये सभी को पता है कि फोम फैक्टर रेशियो किसका होता है, आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू का होता है, किसका होता है, एवरेज वैल्यू का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 315। अब देखो 315 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि दी नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यानी पंच संयोजी अशुद्धि में आपके कितने होते हैं, तो यहां पर 5 होते हैं, और ट्राइवेलेंट में कितने होते हैं, 3 होते हैं। पंच संयोजी अशुद्धि किसमें मिलाई जाती है, किस प्रकार के सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, और ट्राइवेलेंट होती है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज में करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। सचिन डोटासरा, सी ऑप्शन कहाँ से आएगा भाई, तू भी। अब देखो यहां पर, ठीक है, मटेरियल विच लैक परमानेंट मैग्नेट डाइपोल आर नाउन, जो सामग्री स्थायी चुंबक के विद्युत से विहीन होती है उसे डायमैग्नेटिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे डायमैग्नेटिक कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो परमिएबिलिटी होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, जो चुंबकशीलता होती है वो इकाई से क्या होती है, कम होती है ना, डायमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक की सबसे ज्यादा परम और पैरामैग्नेटिक की अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे 317 नंबर क्वेश्चन देखो, 317 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ JFET, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, यहाँ पे क्या होता है, जीएम बराबर आई डी ड्रेन करंट डिवाइड बाय वीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज, जहां पर वीडीएस को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे रेशियो ऑफ चेंज इन आई डी
ऑफ वीजीएस, पहला ऑप्शन, दूसरा रेशियो, ये तो हो ही नहीं सकता दो हाँ, फिर वीजीएस बाय आईडी प्रोडक्ट नहीं होगा, रेशियो वीजीएस टू आईडी ये नहीं होगा, कौन सा होगा ये, यहाँ पे आईडी कर लो है ना, आईडी टू वीजीएस फर्स्ट ऑप्शन। प्रियंका कुमारी डी ऑप्शन कहाँ से आएगा भाई, ड्रेन करंट में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू गेट टू सोर्स वोल्टेज, वही क्या होगा आपका, ट्रांस कंडक्टेंस होगा, क्या होगा, ट्रांस कंडक्टेंस होगा। ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 318। अब देखिए 318 नंबर क्वेश्चन होता है, इसमें क्या पूछा गया है कि सुपर पोजिशन थ्योरम, आपके आईटीआई में नहीं है लेकिन डिप्लोमा में होता है, सुपर पोजिशन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होती है, ये वोल्टेज सोर्स डिपेंडेड, वोल्ट करंट सोर्स डिपेंडेड, और इसके अलावा ध्यान में रखना है आपका सर्किट लीनियर और क्या होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल, किस केस में नहीं एप्लीकेबल होती, नॉन लीनियर के केस में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, नॉन लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर के लिए आपके सुपर पोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 319, इन ए माइक्रोवेव टेस्ट बेंच वाई इज माइक्रोवेव सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एट 1 किलो हर्ट्ज, यानी कि जो माइक्रोवेव टेस्ट बेंच होता है वहां पर इसे मॉड्यूलेट करके इसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज क्यों रखी जाती है, क्योंकि वहां पे क्रिस्टल के क्या है, लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेटर रहता है, तो वहां पर इसके फेल होने की क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है, तो यहाँ पे क्या लिखो, बिकॉज क्रिस्टल डिटेक्टर फेल एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 320, 320 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि दी डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिव गेन ऑफ एंटीना, तो डायरेक्टिव गेन होता है एंटीना का, उसमें क्या होता है कि आपका जो सेंटर है किसी भी एंटीना का, उससे किसी एक निश्चित डायरेक्शन में क्या होगा, रेडिएशन ही क्या होता है आपका, डायरेक्टिव गेन होता है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड डायरेक्टिव ऑफ एंटीना, 3 नंबर रहेगा ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन कैसे है, ग्रेटर देन डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 321, इसमें पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज मोर देन 100%, अब देखो यहां पर जो एएम मॉड्यूलेशन होता है इसकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स यदि इकाई से कम होती है तो उसे तो क्या कहा जाता है, अंडर मॉड्यूलेशन, और यदि इक्वल टू 1 होती है तो उसे क्या कहा जाता है, एग्जैक्ट मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू इकाई से अधिक होता है तो उसे बोला जाता है ओवर मॉड्यूलेशन, और ओवर मॉड्यूलेशन बोला गया है यहाँ पे मोर देन 100%, तो ओवर मॉड्यूलेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टोरेशन होगा, क्या होगा, डिस्टोरेशन, गेट, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वेव गेट्स डिस्टोरेटेड, वेव क्या रहेगी आपके, डिस्टोरेटेड रहेगी, वेरी गुड। ठीक है नेक्स्ट पे 322, 322 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, जल्दी बताओ, द यूज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइज्ड लेवल, क्वांटाइज्ड लेवल का यूज क्यों किया जाता है, ताकि सिग्नल टू नॉइज रेशियो का वैल्यू आपका इंक्रीज हो सके, ठीक है, इंक्रीज मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ 325 पे, बताओ यहाँ पे पूछा गया है दी कू फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अपलिंक एंड डाउनलिंक, यानी आपका यहाँ पर जो सैटेलाइट लगा हुआ है इसका जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर अपलिंक फ्रीक्वेंसी, अलग अलग बुकों में कुछ वेरिएशन दे रखा है, मैंने आपको पहले एक अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6 गीगा हर्ट्ज
और डाउनलिंक 4 GHz लिखाई थी, है ना। इसके अलावा भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इसकी 14 और 12 भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये 14 GHz होगी और ये आपकी यहाँ पर 11 दे रखी है इन्होंने, मैंने 12 GHz बताई थी आई थिंक आप लोगों को। तो ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन आप लोगों को मिल जाता है अलग अलग बुकों में, ठीक है ना। तो वो आप क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जिस राइटर की बुक पढ़ी है उसमें उन्होंने ये दे रखा है, और आपने हो सकता है आपके एग्जाम में उन्होंने कोई अलग बुक से डेटा उठाया होगा, तो उन्होंने थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है 1-2 का, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है 14 से 20 हो जाएगा, इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा आप लोगों को। या तो 1 कम मिलेगा या 1 ज़्यादा मिलेगा, इतना ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 326। 326 में आपसे क्या पूछा गया है, फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर। अब ध्यान में रखना है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा होगा जिससे किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो क्या होगा आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर। यहाँ पर आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा होगा, पीजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन हो जाएगा। और सभी आपके क्या है, पैसिव है, ठीक है, एलवीडीटी, स्ट्रेन गेज, ये सभी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, एक नोर गेट इज इक्वेलेंट टू बबल्ड एंड गेट। दिस स्टेटमेंट, नोर गेट में क्या होता है आपका ए प्लस बी का बार होता है, ठीक है। अब इसे आप क्या करते हैं, सोल्व करते हैं डी मोर्गन के माध्यम से। तो ये ए बार डॉट क्या हो जाता है, बी बार। अगर इसका सर्किट बनाते हो आप लोग तो ये आपका हो गया नोर गेट, ये हो गया नोर गेट, और ये इक्विवेलेंट किसके है, यहां पर ए का बार बी का बार हो गया और ये आपने एंड लगा दिया, तो बबल्ड क्या हो गया है, ये एंड, ये तो आपका नोर हो गया और ये कौन सा हो गया, बबल्ड, बबल्ड एंड हो गया, है ना। तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल है, डी मोर्गन के माध्यम से। किसके माध्यम से पॉसिबल है, डी मोर्गन के माध्यम, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर यहां पर 328। 328 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इन ए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन रिसीवर मोस्ट ऑफ रिसीवर सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिविटी आप सभी जानते हैं कि रिसीवर के द्वारा जो आवश्यक सिग्नल होता है उसे सिलेक्ट किया जाता है, और अनवांटेड सिग्नल को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, वो सिलेक्टिविटी होता है। और यहाँ पर अधिकतम सिलेक्टिविटी कौन देता है, आपका जो फर्स्ट स्टेज होता है एंटीना के बाद में फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है, यहाँ पे आरएफ सेक्शन होता है, ठीक है। इस आरएफ सेक्शन के माध्यम से ही अधिकतम सिलेक्टिविटी दी जाती है। आईएफ नहीं पारुल गुप्ता, ये इंटरमीडिएट तो बहुत आगे की बात है। सबसे पहले क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन होगा, वो किस में होगा, आरएफ सेक्शन में होगा। उसके बाद में मिक्सर, लोकल ऑक्सीलेटर, बाद में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आती है आपकी, ठीक है ना, आरएफ सेक्शन होगा, आईएफ नहीं होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा। अब देखो कल क्वेश्चन पूछा था कि स्ल्यू रेट किसको कम करने में सहायक होता है, बैंडविड्थ को कम करने में सहायक होता है। आज स्ल्यू रेट का क्या पूछ लिया गया है, फॉर्मूला पूछ लिया गया है। तो स्ल्यू रेट का आप सभी को पता है फॉर्मूला, कल भी बताया था मैंने, क्या होता है, वोल्टेज में परिवर्तन डीवी बाई डीटी। तो वो भी क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज में अधिकतम परिवर्तन। हाँ थोड़ा सा आप चेक कर लेना पारुल गुप्ता, थोड़ा सा चेंज कर लेना, जो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसको क्रॉस चेक करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि एग्जाम में उस क्वेश्चन की वजह से आपका कोई भी नेगेटिव नहीं हो। हाँ भाई राहुल सही बोल रहे हो। 330 नंबर क्वेश्चन,
330 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर डज नॉट हैव, कि जो आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें नहीं होता है। तो ध्यान में रखना है कि जो आइडियल आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट इम्पेडेंस कौन सा, इनपुट इम्पेडेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और जो गेन होता है वो भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आउटपुट इम्पेडेंस क्या होता है, जीरो होता है। इसके अलावा बात करें बैंडविड्थ होती है इसकी, वो भी इन्फिनिटी होती है, और इसका जो स्ल्यू रेट होता है वो भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया इनपुट इम्पेडेंस इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, तो आउटपुट रेजिस्टेंस तो क्या होता है, जीरो होता है ना। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 331, 331 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया, दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम दी होल इफेक्ट। होल इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे जो कोई भी सेमीकंडक्टर है तो उसके माध्यम से क्या होता है कि उस सेमीकंडक्टर का टाइप डिसाइड किया जाता है, और कैरियर की कंसंट्रेशन यानी कि कौन से आपके आवेश वाहक अधिक हैं, और मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी उसकी गतिशीलता का भी क्या होता है, निर्धारण होता है। लेकिन परमाण्विक जो इसकी जो संकेंद्रण होता है, सांद्रता होती है, उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आप लोगों को। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टमीटर विल रीड, वोल्टमीटर क्या रीड करेगा ये आप लोगों को बताना है। जल्दी कमेंट करो भाई। अनिल भांबू ने बी ऑप्शन दिया है। अब देखो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1/1 का है भाई, अनिल भांबू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहां पर कितने का है, 1/1 का है। जितना इनपुट वोल्टेज देगा उतना ही क्या है, आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। पारुल गुप्ता ने भी 220 बताया। यहां पे वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है आप लोगों को। तो यहां पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि यहां पे भी 220 वोल्ट है, यहां पे भी 220 वोल्ट है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जीरो। नेक्स्ट पे, अब ये सर्किट दिया है आप लोगों को, ये पता नहीं इन्होंने कहां से क्वेश्चन पूछा है, पूरा सर्किट ही दे दिया आप लोगों को। और ये पूछा गया है इसमें कि दिस फिगर इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सर्किट दिया गया है, आपको बताना है कि ये किसका है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कंपैरेटर। अब देखो यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे क्या लगा हुआ, इंटीग्रेटर, और ये क्या है, यहाँ पे कंपैरेटर। तो सबसे पहले जो इनपुट सिग्नल है उसको क्या कर रहा है, ये इंटीग्रेट कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि कोई भी रेफरेंस सिग्नल है उसके साथ में इसका कंपैरिजन हो रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। फिर कंट्रोल लॉजिक, उसके बाद में डिजिटल काउंटर है आपका यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है कि जो आपके बिट्स हैं उसे काउंट करेगा। तो कहने का मतलब एनालॉग को किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा ये, क्या होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, बताओ। जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे पूछा गया है थ्योरेटिकली बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर एफएम सिस्टम, थ्योरेटिकली पूछा गया। तो थ्योरेटिकली जो बैंडविड्थ होती है एफएम की वो क्या होती है, बता दो सभी, इन्फिनिटी होती है, क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अगर प्रैक्टिकली बात करते हैं इसकी बैंडविड्थ की, तो आपकी क्या होती है, 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम होती है।
तो थ्योरेटिकली क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। 4 नंबर ऑप्शन आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। यहां पे पूछा गया है इंडिकेट विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम, एफएम ओवर एएम। तो यहां पे है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा एएम की तुलना में एफएम का लाभ नहीं है। बेटर नॉइज इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड, बेहतर ध्वनि असंक्राम्यता उपलब्ध कराई जाती है, ये सही है। लोअर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, जबकि एफएम की तो बैंडविड्थ ज्यादा होती है किससे, एएम से। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर सही है, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं सब। ठीक है, 337। अब बताइएगा मॉड्यूलेशन के लिए कौन सा यहां पर कथन आपका गलत है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मॉड्यूलेशन इज यूज टू, मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है यहां पर। रिड्यूस द बैंडविड्थ यूज्ड, प्रयुक्त बैंडविड्थ को घटाना। सेपरेशन डिफरिंग ट्रांसमिशन, एनश्योर दैट इंटेलिजेंस मे बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी किसी भी सिग्नल को दूरी तक भेजना, ये सही है ना। फॉल्स बताना है। अलाउ द यूज ऑफ प्रैक्टिकल एंटीना, ये भी सही है, लेकिन सेपरेशन डिफरेंस ट्रांसमिशन, विभेदन पूर्ण संचरण अलग अलग करना, ये भी सही है। यहाँ पे कौन सा है, रिड्यूस बैंडविड्थ रिड्यूस नहीं होती है भाई साहब। अब बताओ, यहाँ पे पूछा है इन एन एन टाइप सेमी कंडक्टर एज द डोनर कंसंट्रेशन नो इंक्रीज, द फर्मी लेवल कहाँ होगा डोनर टाइप के लिए। तो आपको पता है कि ये तो आपका वैलेंसी बैंड है और ये कौन सा है, कंडक्शन बैंड है। तो जब आपका डोनर होगी दाता केस में होगा तो फर्मी लेवल आपका कंडक्शन के पास में होगा, और यदि एक्सेप्टर होगी तब वैलेंसी बैंड के पास में रहेगा, ये दोनों ध्यान में रखना है। और यदि दोनों का वैल्यू इक्वल रहता है तब आपका इसमें यहां पर सेंटर में रहता है दोनों में फर्मी लेवल। ठीक है, तो मूव टूवर्ड द कंडक्शन बैंड, सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा। अब बताओ इनमें से कौन सा आपका सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका सही है, जैसे ये वाला नीचे वाला ले, ए प्लस बी बार, इसका डी मॉर्गन करोगे तो ए बार डॉट क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा, ये नहीं है। इसका करोगे तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, पहला सही है। हाँ, कंडक्शन से फ्यू बिलो, वेरी गुड। 340, टाइमर आईसी 555 का जो आउटपुट होता है वो किस प्रकार का होता है, आप लोगों ने देखा है रेक्टेंगुलर होता है वो, तो है ना, साइनसोइडल होता है, रेक्टेंगुलर होता है ना। द फेज करेक्शन सर्किट इज क्या होता है, ऑल पास फिल्टर होता है, ऑल पास फिल्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इनको तो फास्ट लिख भी कर सकते हो आप लोग, कि एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, वो किसका बनाया जा सकता है यहाँ से, गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम फास्फाइड का, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन बताने वाले थोड़ी ना, आप लोगों की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, इनको तो विद इन सेकेंड्स आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर विद इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फुल वेव रेक्टिफायर का में आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 गुना हो जाता है इनपुट फ्रीक्वेंसी का, तो 50 का कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये क्वेश्चन बार बार आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पारुल को, इनको, सभी को, राहुल को, ईश्वर को, प्रियंका को, क्योंकि ये पुराने स्टूडेंट हैं तो आई थिंक इनका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हो चुका होगा।
अरे ये सी ऑप्शन वाला कहां से आ गया दिव्या भारती? ये बताओ, तो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं आपके कि इन क्वेश्चंस को देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपने कम से कम यहाँ पर 1500 के करीब क्वेश्चन तो सोल्व हो चुके हैं आप लोगों के, और उनमें यही चीजें बार बार रिपीट हो रही है आप लोगों की, ठीक है? ठीक है, लेकिन आंसर अच्छा दे रहे हो राहुल। इन कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट करंट गेन इज 100। कॉमन इमिटर है, कॉमन इमिटर में करंट गेन क्या होता है? बीटा। कितना है? 100। एंड द कलेक्टर करंट आईसी का वैल्यू आपको कितना दिया गया है? 10 मिली एम्पियर दिया गया है। बेस करंट क्या होगा? तो आप सभी जाते हैं कॉमन इमिटर में बीटा बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे? आईसी बटे आईबी होता है ना? तो आईबी तो पूछा है आप लोगों से, तो आईसी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 10 मिली। 10 मिली में आपको बीटा का भाग देना है, कितना है? 100। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ से? आप नीचे वाले को 1000 बनाओ, 10 × 10 की घात -3 है ना, तो इसको आप 10 से और गुणा करा दो तो नीचे 1000 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया? 100, और ये 1000 ऊपर गया तो 100 × 10 की घात -6 मिली माइक्रो एम्पियर। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है। पारुल गुप्ता, डी ऑप्शन कैसे आएगा भाई? मैंने गलती कर दी क्या? बी ऑप्शन आएगा ना, थोड़ी सी बड़ाई भी हजम नहीं होती आप लोगों को। मैंने थोड़ी सी बड़ाई कर दी थी इनकी, इतने में ही आंसर गलत कर दिया आप लोगों ने। है ना? देखो बीटा बराबर क्या होता है? बीटा बराबर आईसी अपन में आईबी होता है। आपको बेस करंट निकालना है तो इसको इधर ले आओ, बीटा नीचे ले आओ, तो आईबी बराबर क्या हो गया? यहाँ पे आईसी का वैल्यू 10 मिली है और अब बीटा का वैल्यू कितना है? 100। तो अब वहां पे आंसर माइक्रो में है, तो मैंने 10 का ऊपर गुणा करा दिया, 10 का नीचे करा दिया। ऊपर कितना हो गया? 100, नीचे हो गया 1000। 1000 ऊपर जाएगा 10 की घात -3, -3 और -3 कितना हो गया? माइनस का 6 हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आपको उल्लू बनाने वाला। चलो लास्ट का लास्ट क्वेश्चन कर दो आज का, बता दो सभी बच्चे, ठीक है? बता दो, बताओ भाई। इसमें पूछा गया है कि जो हार्टले ऑक्सीलेटर होता है उसमें एक तो आपका दो तो इंडक्टर लगे होते हैं, एक कैपेसिटर लगा होता है, इस प्रकार से इंडक्टर। तो ये दोनों क्या है? यहाँ पे सेंटर टैप्ड है और कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता ही है ना? ये सेंटर टैप्ड इंडक्टर एंड एक कैपेसिटर। यहाँ पे एक नहीं दो, एक इंडक्टर को दो भागों में विभाजित हो गया है ना, वन सेंटर टैप्ड। ठीक है, तो जो शेष क्वेश्चन है अपन अगली क्लास में करेंगे, और क्वेश्चन अब फास्टली करेंगे, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जा पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।